again. रंजन प्रसाद और मैं सोमति पुनी, हम लोग आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं दो सेल्फ डिफेंस। पहला, कैसे अपने आप को डिफेंड करें जब कोई आपका कॉलर दोनों हाथों से होल्ड करता है, और दूसरा, जब कोई आपका कॉलर एक हाथ से होल्ड करता है और फिर पंच मारने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे डिफेंड करें जब कोई आपका कॉलर दोनों हाथों से होल्ड करे। तो नॉर्मली जब कोई आपका कॉलर होल्ड करता है तो अपनी हाथ ऊपर कर देते हैं, जैसे जब आपका कोई कॉलर इस तरह होल्ड करे तो कैसे डिफेंड करें, अपने लेफ्ट हैंड से उसके राइट हैंड पे हिट करें, आप अपने एल्बो से इसके राइट हैंड पे हिट करें इस तरह। ये हिट करने के बाद आप इसके लेफ्ट हैंड को अपने हाथों से इसे होल्ड करें और ट्विस्ट कर दें। मुझे देखिए, फिर ट्विस्ट करें या बेंड कर दे। बेंड करने के बाद आप इसे हिट करें, 1 2, इसे हिट करने के बाद फिर इसे लेग पे हिट करें और इसे गिरा दे। ये गिरने के बाद आप उसे लेग से हिट करें, 1 2। अगर आपका कॉलर को एक हाथ से होल्ड करता है और दूसरे हाथ से पंच करता है तो आप कैसे डिफेंड करेंगे, जैसे देखिए, पहले आप उसके पंच को रोकने की कोशिश कीजिए। पंच को रोकने का तरीका है, अपने दोनों हाथों को अपने हेड पे होल्ड कीजिए और ऐसे ब्लॉक कर लीजिए। ऐसे ब्लॉक करने के बाद, ऐसे ब्लॉक करेंगे ये पंच ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पर। ये ब्लॉक होने के बाद अपने एल्बो को निकाल दीजिए। एल्बो से निकालने से पहले अपने राइट लेफ्ट पैर को सामने की ओर लाएं। सामने की ओर लाने के बाद अपने हाथ को ऊपर करें, फिर जैसे देखिए ये पैर आगे लाए, फिर ऐसे पंच करें। आप यहाँ भी पंच कर सकते हैं, अपने फेस पे भी। ये हिट करने के बाद इसके हाथ को ट्विस्ट कीजिए, फिर पंच कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।